हाय दोस्तों, आईटी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बेहद ही कमाल की ऐप, जो कि आपको काफी पसंद आने वाली है। इस ऐप की मदद से आप अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर ओवरलेस इमेजेस को ऐड कर सकते हैं, लाइक कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं व्हाट्सएप पर चैट कर रहा हूँ और मेरे स्मार्टफोन की स्क्रीन पर अलग से ओवरलेस इमेजेस लगी हुई है, जो कि काफी कूल लग रही है। यहाँ पर आपको 1, 2, 3 नहीं कई सारी ओवरलेस इमेजेस मिल जाती है, जिसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन को बिल्कुल यूनिक लुक दे सकते हैं। तो चलिए, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बिना टाइम का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है इरफान और आप देख रहे हैं आईटेक। तो सबसे पहले आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी है, जिसका नाम है नेवबार ऐप्स। इस ऐप की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के एंड में दे दूंगा। वहां जाकर डायरेक्ट आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद सिंपल है, आप इसे ओपन कीजिए। ओपन करते ही आपको इस ऐप को पहले परमिशन देनी होगी, तो आप इस ऐप को सारी परमिशन दे दीजिए। परमिशन देने के बाद सबसे पहले तो हम यहाँ पर हमारे नेविगेशन बार के कलर को चेंज करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे फोन के नेविगेशन बार का कलर व्हाइट है, यानी कि सफेद है, तो हम इसका कलर चेंज करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इस ऑप्शन को इनेबल करना है, इसके बाद जाना है आपको इस स्टैटिक कलर पर। यहाँ पर टैप करने के बाद आपको इस सेटिंग वाले आइकॉन पर क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप अपने नेविगेशन बार का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से अपने नेविगेशन बार का कलर चेंज कर लीजिए। आप यहाँ पर इसकी ओपासिटी को कम ज्यादा भी कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर हम सेट दिस कलर पर हम क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं हमारे नेविगेशन बार का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। इसके बाद का यहाँ पर एक और ऑप्शन है, जो है एक्टिव एप्स। इसकी मदद से आप किसी भी ऐप के नेविगेशन बार के कलर को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं मेरी गैलरी के नेविगेशन बार का कलर अभी भी हल्का सा व्हाइट है। अब मैं इसका कलर अगर चेंज करना चाहूँ तो सिंपल है, मैं यहाँ पर एक्टिव एप्स पे जाऊंगा और उसके बाद यहाँ पर सेटिंग वाला आइकन पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पर आपको इस प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पर आपको सर्च करना होगा गैलरी। गैलरी पे सर्च करने के बाद आप इसी गैलरी वाले सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक कीजिए, और यहाँ से आप अपने हिसाब से जो है वो कलर इसका सेट कर लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर जो है ग्रीन कलर सेट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद ये होगा कि जैसे मैं गैलरी को ओपन करूँगा तो आप देख सकते हैं गैलरी के नेविगेशन बार का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। तो इसी तरह से आप अपने स्मार्टफोन में जितनी भी ऐप है उन सभी का कलर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद का जो ऑप्शन है वो है नेविगेशन बार विजेट्स का। इसकी मदद से आप अपने नेविगेशन बार में इमेजेस को लगा सकते हैं। जैसे आप इसे इनेबल करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा नेविगेशन बार जो है वो चेंज हो चुका है। अगर आप इस इमेज को चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल है, आपके सेटिंग वाला आइकन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको कई सारी इमेजेस मिल जाएगी, जैसे आप टैप करेंगे तो वो इमेजेस आपके नेविगेशन बार पर ऐड हो जाएगी, लाइक कुछ इस तरह से। अगर आप किसी प्रीमियम इमेज को यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस ऐप का प्रीमियम वर्जन यूज करना होगा। इसके बाद का जो ऑप्शन है वो है बैटरी परसेंटेज का। इसकी मदद से आप अपने नेविगेशन बार को बैटरी बार बना सकते हैं, लाइक कुछ इस तरह से। जैसे आप इसे इनेबल करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन हिस्सा है वो 58% मेरे स्मार्टफोन की बैटरी है, और बाकी का जो हिस्सा है वो खाली हो चुका है। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल आप इस सेटिंग वाले आइकॉन पे क्लिक करके इसका जो है कलर भी चेंज कर सकते हैं, कि आपको किस टाइप का जो है वो कलर यहाँ पे रखना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर कलर भी चेंज कर सकते हैं, और नेविगेशन बार से ही आप जान सकते हैं कि आपके स्मार्टफोन की बैटरी कितनी बाकी है। इसके बाद का जो ऑप्शन है वो है इमोजीज का। अगर आपको इमोजी कुछ ज्यादा ही पसंद है तो ये फीचर्स आपको काफी पसंद आने वाला है। सिंपल आप इसे इनेबल कीजिए। इनेबल करते आपको नीचे की तरफ 4 इमोजीज दिखाई देंगे, तो आप देख सकते हैं आपके नेविगेशन बार में 4 इमोजी आ चुके हैं। अब अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल आपको इस सेटिंग वाला आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इन इमोजी को चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आप इनकी स्पेस को कम ज्यादा करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप इनकी साइज को भी कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो ये भी यार मुझे काफी कमाल का ऑप्शन लगा। अगर आपको इमोजी ज्यादा पसंद है तो आप इस ऑप्शन को जरूर से यूज कीजिएगा। इसके बाद का जो ऑप्शन है वो है म्यूजिक विजिट्स। अगर आपको गाना सुनना बहुत ही पसंद है तो ये फीचर्स आपको काफी पसंद आने वाला है। तो सिंपल आप इसे इनेबल कीजिए। इनेबल करने के बाद आपको जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर पहले तो साइज जो है वो सिलेक्ट करनी होगी, स्मॉल, नॉर्मल या फिर बिग। मैं तो कहूंगा कि बिग ही रहने दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पे स्टाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप जो म्यूजिक प्ले करते हैं तो आपको कुछ ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं इस तरह का आपका नेविगेशन बार दिखाई देगा। तो अगर आपको म्यूजिक सुनना काफी पसंद है, अगर आप बार बार म्यूजिक सुनते हैं तो ये फीचर्स आपको काफी पसंद आएगा। इसके बाद का जो ऑप्शन है वो है ओवरलेस का। इसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर अलग से ओवरलेस इमेजेस को लगा सकते हैं। जैसे आप इसे इनेबल करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरे स्मार्टफोन की स्क्रीन पर अलग से ओवरलेस इमेजेस ऐड हो चुकी है। अगर आप इस इमेजेस को चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल है, आपको सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कई सारी इमेजेस आ जाएगी। तो पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा। ऑलरेडी मैंने इसे डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो सिंपल आप इस पर टैप कीजिए, और टैप करते आप देखेंगे यहाँ पर
कमाल की इफेक्ट आ रही है। और अगर एक बार आप इसे सेट कर देते हैं, इसके बाद ये OLS इमेजेस कहीं नहीं जाएगी। अगर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, किसी से चैट कर रहे हैं, कुछ भी कीजिए, ये OLS इमेजेस वहीं की वहीं रहेगी। तो यार ये काफी कूल लगेगा और काफी यूनिक भी है और काफी मजेदार भी लग रहा है ये। तो इसी तरह से आप अपने व्हाट्सएप को भी चेंज कर सकते हैं, फेसबुक को भी चेंज कर सकते हैं और अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन को भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो यार काफी मजेदार मुझे ये OLS का ऑप्शन लगा। तो आपको इस ऐप के सभी फीचर्स में से कौन सा फीचर सबसे अच्छा लगा, जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।